नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आजकल एक समस्या बहुत ही आम हो गई है और वो है संतान उत्पत्ति से जुड़ी हुई, यानी कि बेबी कंसीव करने में दिक्कत, बच्चा होने में दिक्कत। हर दूसरा कपल इस समस्या से इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें शनि की क्या भूमिका है? जी हाँ, शनि अगर बिगड़े तो किस तरीके से संतान होने में बाधा पैदा कर सकता है, और ऐसी किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे बचने के उपाय कौन से हो सकते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, घर में अगर आप पौधे लगाते हैं, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पौधे सामान्यतः अपने घर में न लगाएं जिसमें फल भी ना होता हो, फूल भी ना होता हो। ऐसे पौधे घर में न लगाएं, नहीं तो संतान प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। याद रखिए, अगर आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं एयर प्यूरिफाई करने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन सामान्यतः बिना फल फूल वाले पौधे ना लगाएं, बोनसाई बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो संतान होने में बाधा आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंचांग की। तो 24 दिसंबर का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 24 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 9:19 तक चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो संतान होने में बाधा जैसी कई जानकारी आजकल आप आसपास से हासिल करते होंगे और कई लोग तो ऐसी मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल में, इस समस्या में शनि की क्या भूमिका है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे जिससे मिलेगी आपको राहत। सबसे पहले शनि किस तरह संतान होने में बाधा डाल सकता है, ये जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, शनि का मतलब होता है ब्लॉकेज, रुकावट या विलंब। और दुनिया में किसी को भी संतान हो उसमें दो ग्रहों का वरदान होना जरूरी है, शनि और बृहस्पति। और शनि जब तक उस पार्ट पर नहीं जाएगा, शनि जब तक संतान योग की शुरुआत नहीं करेगा, तब तक संतान प्राप्त होना कठिन होगा। शनि किस तरह संतान प्राप्ति में बाधा देता है? देखिए, शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है, तो शनि संतान होने में आम तौर पर विलंब करवा देता है। कभी कभी बिना कारण के विलंब होता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद शनि का प्रभाव होने से बिना वजह विलंब होता है। और कभी कभी शनि कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या भी दे देता है, कोई ब्लॉकेज देता है शरीर में, जिस वजह से संतान होने में दिक्कत होती है। कभी कभी आपके किसी अपने कर्म की वजह से, आपके किसी अपने कार्य की वजह से या किसी शाप की वजह से भी संतान होने में दिक्कत पैदा होती है। आपके अपने कर्म या कोई शाप भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, संतान सुख में शनि की भूमिका बहुत ज्यादा होती है।
इसीलिए अगर शनि संतान वाले पार्ट में रुकावट पैदा करता है तो बहुत प्रयास करने के बावजूद ही संतान हो पाती है। सामान्यतः संतान होने में दिक्कत आएगी, शरीर में रुकावट होगी, अवरोध होगा, और अगर सब कुछ ठीक है फिर भी शनि का प्रभाव है तो बिना वजह से संतान होने में विलंब होगा, और इन सब के पीछे जिम्मेदारी होती है शनि की। तो चलिए इस समस्या के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे और हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आज हम शनि कैसे संतान होने में बाधा उत्पन्न करता है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, हम सब जानते हैं कि शनि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन जब संतान से जुड़ी बाधा होती है तो क्या उसमें भी किसी इंसान के कर्म ही शामिल होते हैं, इसे कैसे समझें? देखिए, आपका जो कर्म है अच्छा या बुरा, उसका फल देने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शनि की। और अगर आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया है या कोई ऐसा कार्य अगर आप निरंतर करते हैं जो बहुत उचित नहीं है, तो आपके अशुभ कर्मों की वजह से संतान प्राप्ति में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कौन से कर्म हैं? अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं, खास तौर से बिना वजह के पीपल या बरगद कटवाते हैं, तो संतान के लिए ये अच्छा नहीं होता, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा नहीं होता, और संतान प्राप्त हो जाने के बाद संतान की उन्नति के लिए भी अच्छा नहीं होता। बिना कारण के अगर आप गर्भपात करवाते हैं या करवाती हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप ऐसा करवा लेते हैं या करवाती हैं, तो ये करने से भी संतान प्राप्ति में बाधा पैदा होगी। अपने बुजुर्गों का और महिलाओं का अगर आप अनादर करते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, चाहे मित्र हों, पत्नी हों, माता हों, पुत्री हों,
अगर आप उनका अनादर करते हैं तो इससे भी शनि कुपित होते हैं और शनि के कुपित होने से संतान होना मुश्किल हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के आसपास आप केले का पौधा अगर लगा दें तो इससे घर में निगेटिविटी पैदा होती है और इससे भी संतान प्राप्त करने में मुश्किल हो जाती है। तो अगर शनि का प्रभाव, शनि का इम्पैक्ट आपके संतान और आपके कर्म से संबंध रखता है या आपके उल्टे सीधे कर्म बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से संतान प्राप्त कर पाना काफ़ी कठिन होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि शनि जो है वो ब्लॉकेज पैदा करता है, अक्सर महिलाओं के जीवन में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर देता है, जो गर्भ धारण करने की संभावनाएं हैं वहां पर सिस्ट पैदा कर देता है, यानी वो इस तरह की रुकावट पैदा कर देता है जिससे संतान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। और इस तरीके से शनि कई तरह की मुश्किलें पैदा करता है और इन्हीं मुश्किलों पर आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। उसके पहले अब कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम का तनाव और दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला सवाल हमें दीपक जी ने लिखा है। दीपक जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1989, दोपहर के 1 बजे, जन्मस्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह तमाम प्रयास करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2024 के अंत में आपके विवाह होने की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन आपका ठीक है, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत फेवरेबल नहीं है, तो आप जब भी विवाह करें कुंडली एक बार मिला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर ले नोट डाउन और हमें लिख भेजिएगा। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है जी? अगला प्रश्न रेवती जी ने हमें लिखा है और रेवती जी हमें जोधपुर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 11 अप्रैल सन 2008। जन्म का समय है शाम को 9:10 और जन्म का स्थान है जोधपुर। ये अपने पुत्र के लिए पूछना चाहती हैं कि पुत्र का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, पुत्र का स्वभाव और व्यवहार भी माता पिता के प्रति बहुत अच्छा नहीं रह गया है, तो पुत्र का भविष्य कैसा होगा और पुत्र के जीवन को सुधारने के लिए कौन से उपाय किए जाएं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपका पुत्र अभी छोटा है, अभी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं हुई है, इसलिए अभी से इतना ज़्यादा परेशान होना उचित नहीं है। आपके पुत्र का जीवन आगे अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, उसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। हाँ, दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक तो स्वभावगत समस्या है जो कि है ही, और दूसरा किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए, इसका ध्यान रखना भी थोड़ा आवश्यक है। तो आप ऐसा करें, एक छोटा सा पन्ना बनवा लें, लगभग 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को एक पन्ना उसको पहना दें और रोज सुबह अपने पुत्र के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें, काफी बेहतर होगा। आपके पुत्र का भविष्य उज्जवल है, उसमें जीवन में कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भटके नहीं, बिगड़े नहीं, इसके लिए जो उपाय आपको बताया है वो करने से लाभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से शनि से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शनि कैसे संतान होने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। पंडित जी ने बताया कि कैसे आपके कुछ कर्म भी प्रभावित करते हैं कि शनि आपके ऊपर ऐसा असर दिखा सकता है। लेकिन अगर आपको बिना किसी कारण के संतान हो ही नहीं पा रही है, डॉक्टर्स कोई रीज़न नहीं बता पा रहे, तमाम कोशिशों के बावजूद संतान न हो पा रही हो, तो इसका क्या कारण है, क्या उपाय है, पंडित जी से समझते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकली सब कुछ ठीक होता है, उम्र बिल्कुल रीजनेबल होती है, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ऐसे में जब बिना किसी कारण के संतान ना हो पा रही हो, तो समझना चाहिए कि शनि और बृहस्पति की बराबर कृपा आपको नहीं मिल रही है। क्या उपाय किया जाए इसके लिए? पति पत्नी एक साथ संतान गोपाल का अनुष्ठान जरूर करवा लें। हर बृहस्पतिवार का उपवास रखें, पति भी रखें और पत्नी भी रखें, और रोज सुबह एक बार पति भी और पत्नी भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पति पत्नी एक एक पीतल का या सोने का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर लें। हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये उपाय पति पत्नी नियमित रूप से करें और संतान अज्ञात कारणों से नहीं हो पा रही है, बिना किसी दिक्कत के भी संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी।
चलिए ये उपाय ज़रूर अपनाइएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि कंसीव तो कर लिया जाता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि गर्भधारण के बाद गर्भपात हो जाता है। अगर बार बार ऐसा हो रहा हो, क्या इसके कारण हो सकते हैं, उपाय क्या होने चाहिए, ये भी जानते हैं। कुछ माताएं, बहनें, महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव तो आराम से कर लेती हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है और इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं और बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, महिला ये उपाय करेंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और एक विशेष मंत्र है, सुबह शाम 108 बार इसका जप करिएगा। मंत्र होगा क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। अपने कमर में पीला धागा बांध लीजिएगा किसी भी दिन, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो उस पीले धागे को हटा करके कमर में एक लाल धागा बांध लीजिएगा और शनिवार की शाम को अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला भी धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करती हैं तो बार बार मिसकैरेज होने की समस्या से बचेंगी। फिर से याद दिला दूं कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, क्लीन कृष्ण क्लीन। इस मंत्र को पढ़ने से बार बार का मिसकैरेज रुकेगा। आप चाहें तो इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं। इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करने से भी जो गर्भपात की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये आसान और अचूक उपाय जरूर अपनाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो। आगे और चर्चा करेंगे कुछ और समस्याओं के बारे में, समझेंगे उपाय भी, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान बनाए रखना है। मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, घर के कार्यों में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, वर्क प्रेशर बना रहेगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब अंतिम तीन राशियां बची है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन समझते हैं कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो और उसकी वजह से संतान ना हो पा रही हो तब कौन से उपाय किए जा सकते हैं और इसका कारण जो है उसको कैसे समझते हुए शनि की समस्या सुलझा सकते हैं ये जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई मेडिकल वजह हो, एक्स प्रोडक्शन की वजह हो, एक्स रैप्चर ना हो पा रहे हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेडिकल में जिसकी वजह से संतान होने में दिक्कत हो रही है। देखिए एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शनि का इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि संतान ना होने दे, लेकिन शनि का इम्पैक्ट इतना तो करता ही है कि कार्यों में डिले कर दे, कार्यों में विलंब कर दे। तो शनि का प्रभाव होगा तो हो सकता है थोड़ी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हों जिसकी वजह से संतान ना हो पा रही हो, जिनका उपाय करने से वो ठीक हो जाए। क्या करेंगे? रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के दो पत्ते खाइए, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल दीजिए और जल देने के बाद कृष्ण नाम का, कृष्ण 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 इस नाम का 108 बार जप करिएगा और सलाह लेकर के एक सुनहला या पीला पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिएगा। हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान निर्धनों में करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेडिकल कंडीशन बेहतर होनी शुरू होगी और संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। ये बात रही किसी मेडिकल रीजन की, लेकिन अगर कुंडली में कोई दोष है या किसी तरह का कोई शाप है उसकी वजह से संतान ना हो पा रही हो तब क्या किया जा सकता है इस बारे में समझते हैं। वृहद पराशर होरा शास्त्र में संतान वाले पक्ष पर विशेष कर से अलग अलग शापों की चर्चा की गई है और अलग अलग तरीके के शाप संतान होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। या कुंडली में कोई ऐसा दोष हो, जैसे बृहस्पति वक्री हो जाए, बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए, सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे संतान होना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर कुंडली का कोई दोष या शाप संतान होने में मुश्किल पैदा कर रहा है क्या उपाय करेंगे? घर में बाल गोपाल के चित्र की स्थापना करें, मूर्ति की नहीं। रोज सुबह उन्हें तुलसी माखन और मिश्री का भोग लगाइए और रोज सुबह 108 बार पढ़िए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, ये 108 बार पढ़िएगा। और जब आप ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे या कर देंगी तो प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगवाएं, क्योंकि पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर रहेगा, आप लगवाएंगे तो इससे कुंडली का शाप या दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वैसे मैं मोटे तौर पे बता दूं कि अगर कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो श्री हरि की उपासना करने से या भगवान शिव की उपासना करने से आप कुंडली के किसी भी शाप और दोष को दूर कर सकते हैं।
तो ये थी वो तमाम वजहें जिसकी जिसके चलते आपके घर में किलकारियां ना गूंज पा रही हो, और साथ ही वो अचूक उपाय भी, वो आसान उपाय भी जो जल्द ही आपको ये खुशखबरी दे सकते हैं, ज़रूर इन्हें अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं हम कि जल्द ही आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। नौकरी की समस्याएं आपकी हालांकि हल होंगी और धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें, अभी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पिता की सहायता से इस समय लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न प्रीति चौहान जी ने हमें लिखा है, और प्रीति चौहान जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1984। जन्म का समय है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रीति जी पूछ रही हैं कि एक संपत्ति का मुकदमा इनका चल रहा है इनके मायके में, जो इनके माता पिता ने इनको दिया था, तो वो कब तक इनको संपत्ति मिल पाएगी, और भविष्य में उस संपत्ति को बेच करके एक बेहतर प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं तो उसकी संभावनाएं क्या हैं। प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना प्रबल रूप से बन रही है कि साल 2024 में अप्रैल के बाद ये मामला आपके पक्ष में डिसाइड हो जाएगा। साल 2024 में ही आप इस प्रॉपर्टी को सेल करके कोई नई संपत्ति खरीदेंगी, ये संभावना आपके लिए ज़रूर बन रही है। दो उपाय करिए ताकि मुकदमा एक तो आपके पक्ष में आ जाए और दूसरा संपत्ति का लाभ हो आपको। रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का सुबह शाम रोज आप पाठ करें, और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनको लाल फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है और उसका हल आप चाहते हैं कि पंडित जी आप तक पहुंचाएं, तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लें और इसी पर हमें लिख भेजिएगा। आज का आखिरी सवाल पंडित जी आया कहां से है जी?
आज का अंतिम प्रश्न हमें राजकुमार जी ने लिखा है। राजकुमार जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1980। जन्म का समय सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी। राजकुमार जी कह रहे हैं कि अभी जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो भविष्य के लिए नौकरी की स्थितियां क्या हैं, करियर कैसा रहेगा और भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राजकुमार जी आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन फरवरी 2024 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में होगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होने की संभावना है। भविष्य में करियर को लेकर के या पैसे रुपए को लेकर के कोई विशेष मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 24 दिसंबर को। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से जान लेते हैं उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 24 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर में कोई लाभकारी बदलाव इस समय हो सकता है, संपत्ति और विवाह के मामलों में लाभ होगा, लेकिन इस साल अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि आपने कई बार बताया भी है ना कि सूर्य देव को जल अगर अर्पित करते हैं तो बहुत लाभदायक होता है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति हो कि ऐसा ना कर पाए तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट भी है, कोई और उपाय कर सकते हैं? अब ऐसा हो सकता है कि जहां आप रहते हों वहां से सूर्य के दर्शन ही ना होते हों, या आपकी ड्यूटी ऐसी हो कि सुबह आप जल ना चढ़ा पाते हों, तो क्या करें? देखिए, वैसे तो सूर्य देव को जल अर्पित करने का कोई विकल्प नहीं है। आप सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करते तो जो सूर्य की किरणों के लाभ हैं वो तो आपको किसी भी तरीके से नहीं मिलेंगे। सूर्य को जल अर्पित करना हर दृष्टि से लाभदायक है और हमें अपनी परंपरा के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से सूर्य को जल न दे पाए तो रोज सवेरे सूर्य के 21 नाम पढ़िए। मैं फिर बता दूं, जो फायदा जल चढ़ाने से होगा वो 21 नाम पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो कम से कम रोज प्रातः सूर्य देव के 21 नाम लीजिए। इससे भी सूर्य वाले पक्ष का फायदा आपको प्राप्त होगा। और अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 24 दिसंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में
ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको बड़ी आसानी से नाम की और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, समय फिर से नोट करें, 24 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष राशि। और अब मेष राशि के बारे में पंडित जी कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं, ये जानते हैं उनसे। हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के अनुसार आपकी दोस्ती की, मित्रता की स्थिति कैसी रहती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। सामान्यतः इनके जानने वाले बहुत होते हैं, इनके परिचित बहुत होते हैं, लेकिन इनके मित्र कम होते हैं। अच्छे मित्रों की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं या चाहती हैं तो भगवान शनि की उपासना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में, और महा उपाय में क्या बताने वाले हैं पंडित जी, आपको कैसा लाभ होगा ये भी जानते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अनजाने में कोई गलती हो जाती है और बाद में बड़ा पछतावा होता है कि ऐसी गलती हो गई, उसका प्रायश्चित कैसे करें, उसके गिल्ट से कैसे बाहर निकलें। जिसके प्रति गलती आपकी हुई है उससे हृदय से क्षमा याचना करें, वो क्षमा करे ना करे वो बात अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्षमा मांगकर मुक्त हो जाइए। एक दिन का उपवास रखिए और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा दीजिएगा या खाने पीने की चीज का दान कर दीजिएगा। भविष्य में गलती ना हो इसका संकल्प लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं कोई गलती अनजाने में हो जाने के बाद, तो आपकी गलती का प्रायश्चित होगा और उसके अपराध बोध से जो आप दबे हुए हैं उससे निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे, जानकारियां भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।